हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एसर के 21.5 इंच के इस एलसीडी मॉनिटर के बारे में, जो कि मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बॉक्स पैकेजिंग आता है वो भी काफ़ी ठीक ठाक आता है। तो इसमें जो बॉक्स कंटेंट मिलता है वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर मॉनिटर के बारे में बात करेंगे। तो बॉक्स कंटेंट में सबसे पहला चीज़ आपको ऊपर में ही देखने को मिलेगा, जो इसका बेस होता है जिससे आप मॉनिटर को स्टैंड कर सकते हैं। और इसमें कुछ मैनुअल गाइड्स मिलते हैं इसके साथ आपको इसका जो स्टैंड में आर्म लगता है जिससे मॉनिटर हैंग होता है वो भी रहता है। और HDMI केबल आपको इसके साथ मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। इसका एक पावर अडेप्टर है, इसमें कोई भी इंटरनल पावर बोर्ड नहीं है, तो ये आपको एक्सटर्नल पावर अडेप्टर के साथ देखने को मिलता है। आप इसका रेटिंग भी यहाँ पर पॉज करके देख सकते हो। ये 12 वोल्ट 2 एम्पियर का है। तो अब देखते हैं इसका जो मेन मॉनिटर है। मेन मॉनिटर यहाँ पे काफ़ी स्लिम और लाइट वेटेड है, और इसके जो बेजल्स हैं वो भी काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। तो पैकेजिंग में भी काफ़ी अच्छे से आया है। और अब इसको मैं सेट करता हूँ इसके माउंटिंग के साथ, जो इसका बेस है, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो मॉनिटर फुल्ली सेटअप हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो डेस्क पे मैंने रख दिया है। और इसका जो पावर अडेप्टर से मैं इसको पावर दूंगा किसी भी मेन सॉकेट से, और जो इसका VGA पोर्ट है उससे मैं लैपटॉप के आउटपुट पिन से इस पे आउटपुट दूंगा, डिस्प्ले आउटपुट। इस पे आपको 3 पिन्स देखने को मिल जाते हैं, एक तो VGA, एक HDMI और एक पावर इन का 12 वोल्ट का, जो कि इसके साथ पावर अडेप्टर आता है वो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा पावर इन के लिए। तो पावर इन करने के बाद जो आपको डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके पीछे एक बटन मिलता है जिससे आप इसके मेन्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको मैं पीछे से दिखाऊं तो इसमें एक ब्लू लाइट इंडिकेट करता है, ब्लू लाइट जलता है जब भी ये पावर ऑन होता है मॉनिटर। और अगर आप इसको देखोगे तो ये जॉयस्टिक की तरह एक बटन है जो कि मूव होता है लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम में, उससे आप इसके मेन्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो। जो इसमें मुझे अच्छी बात लगी, इसमें ब्लू लाइट कंट्रोल आप कर सकते हो मेन्यू सेटिंग्स के, और ये 100 हर्ट्ज का एक रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट है इसके प्राइस रेंज सेगमेंट में, जो कि मैंने काफ़ी सारे मॉनिटर्स को कंपेयर करके इसको परचेज़ किया था। तो जो इसका व्यूइंग एंगल आप यहाँ पे देख सकते हो, व्यूइंग एंगल के साथ साथ इसके जो बेजल्स है कम होने की वजह से जो इसका वीडियो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो अगर आप इसको गेमिंग या फिर किसी भी वर्क पर्पस के लिए ले रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसे आप ले सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अभी आप एक 4K वीडियो का यहाँ पर मैं वीडियो प्ले कर देता हूँ, उससे आप जज कर सकते हो जो इसका व्यूइंग एंगल प्लस इसका वीडियो क्वालिटी है, जो वीडियो का शार्पनेस और वीडियो का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ओके, एंड जो ये मॉनिटर आता है वो 3 इयर्स के वारंटी के साथ आता है, जो कि एक अच्छी बात है मॉनिटर के लिए। 100 हर्ट्ज के साथ फ्लिकर फ्री मॉनिटर है, तो इसमें आपको एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है अगर आप किसी भी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हो। तो मैंने वर्क पर्पज़ के लिए लिया है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जो अभी तक मैंने यूज़ किया है इस मॉनिटर को। और इसके जो ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा ब्राइट है। तो आप अगर इंडोर रूम में इसको अच्छे से किसी भी इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, मूवी वीडियोस के लिए यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि ये फुल्ली वाइड तरह का मॉनिटर है। इसके जो बिजल्स कम होने की वजह से इसमें पूरा का पूरा स्क्रीन का एक जो एक्सपीरियंस मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये था एक इसका छोटा सा रिव्यू वीडियो। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।